हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप इंस्टाग्राम रील्स और व्हाट्सएप स्टेटस या टिकटॉक यूट्यूब शॉर्ट्स बना सकते हैं सिर्फ आपके कुछ फोटोज यूज़ करके और बहुत सारा अच्छा इफेक्ट यूज़ करके वीडियो शॉर्ट वीडियोज़ आप क्रिएट कर सकते हैं एकदम प्रोफेशनल। तो मैं आपको जैसे हम दिखा रहा हूँ तो साइड में आपको स्क्रीन देखने को मिल रहा होगा और ये जो ऐप मैं यूज़ करने वाला हूँ उसका नाम है मायरा कट। तो बहुत ही अच्छा ऐप है। तो जैसे भी आप देख पा रहे होंगे तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में चला जाना है। मैं इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर सर्च कर सकते हैं मायरा कट करके, तो आपको कुछ ऐसा ऐप देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर से आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम का रील्स, उसके बाद यूट्यूब शॉर्ट्स, उसके बाद व्हाट्सएप स्टेटस, सब कुछ यहाँ से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ओपन करके दिखाया था तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, ठीक है। और बहुत ही अच्छे अच्छे धांसू धांसू इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो ऐसा करके कुछ आपको देखने को मिलता होगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए दिखाऊं तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा होगा, एक देख सकते कुछ। तो जैसे अभी देख सकते हैं कुछ ऐसा आप आपका फोटो सिर्फ यूज़ करके ऐसा करके बहुत अच्छा अच्छा वीडियोस आप बना सकते हैं। सिर्फ एक ही नहीं है, बहुत सारा आपको यहाँ पर वीडियोस फोटोज ऐसा करके प्रीबिल्ट टेम्पलेट मिल जाएगा और ये जो टेम्पलेट है हर दिन ये अपडेट होता है। तो वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही एकदम धांसू ऐप है, देख सकते हैं बहुत ही मस्त ऐप है। तो मैं एक करके आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले चलिए मैं एक दिखाता हूँ। ये पहला नंबर पर मैं एक बार चॉइस कर लेता हूँ तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते लिखा हुआ है यूज़ प्रेजेंट करके, इसको आपको यूज़ कर लेना है, ठीक है। अब यूज़ करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ टोटल तीन फोटोज़ आप मैक्सिमम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर तीन फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे पास विराट कोहली का फोटो है। तो उसके बाद ओके में आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा ऐसे करके। अब इसको आप एक्सपोर्ट करके आप इंस्टाग्राम यूट्यूब सब जगह पर शेयर कर सकते हैं और नो कॉपी, यहाँ पर कोई आपको कॉपीराइट का कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो टॉप राइट कॉर्नर में एक्सपोर्ट का बटन है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 720p और 1080p में भी आप सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर चले मैं 720p में सेव करता हूँ इसको। और सेव करने के बाद यहाँ पर ऐसा करके कुछ आपको अभी एक्सपोर्ट हो रहा है तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। बहुत ही मस्त ऐप है, सच में बता रहा हूँ, आप ज़रूर यूज़ कीजिए। और जब मुझे पता चला इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से सिर्फ एक से दो क्लिक के अंदर आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ, मेरा गैलरी पर ये सेव हो चुका है। तो जैसे आप देख सकते हैं मेरा गैलरी पर ऐसा करके कुछ सेव हो चुका है, बहुत अच्छा बस, ठीक है। और एक मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, और एक आप कर सकते हैं। सिर्फ एक इफेक्ट नहीं है, बहुत सारा आपको यहाँ पर इफेक्ट मिल जाता है देखने को, ठीक है। यहाँ पर एनिमेशन, टिकटॉक, उसके बाद लिरिक्स, लव इफेक्ट, ऐसा करके बहुत सारा आपको यहाँ पर इफेक्ट आपको मिल जाता है, थाउजेंड्स में इफेक्ट आपको मिलता है। तो यहाँ पर अगर ऐसा करके आप देख सकते हैं बहुत सारे इफेक्ट आपको मिल जाएगा। तो अगर मैं ये वाला इफेक्ट आपको मैं दिखाऊं, ये वाला चलिए एक बार ट्राई करता हूँ, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पर यूज़ इफेक्ट में क्लिक करता हूँ, टोटल यहाँ पर चार इमेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए ये चार इमेज सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद फिर से आपको ओके में क्लिक करना है। अब ओके में क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली देख सकते कुछ इस तरह का आपका वीडियो बन जाएगा। मस्त ऐप है ना। तो ऐसा करके आप कर सकते हैं। मैं इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आकर आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कैसा लगा। और बहुत ही आसान है, कोई आपको प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है इसको यूज़ करने के लिए। तो ऐसा करके आप बहुत आसानी से कर सकते, सिर्फ एक ही इफेक्ट नहीं है, बहुत सारा आपको इफेक्ट मिल जाता है और फ्री में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। प्ले स्टोर में सब कुछ यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या।